Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाज़िन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है प्रोग्राम रूबरू में। आज जो हम आपके सामने सवाल लेकर हाजिर हैं, वो इंतहाई अहम सवाल है। सवाल ये है कि बैतुल मक़दिस, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है और भी नामों से जाना जाता है, इसका सही नाम क्या है और इसकी तारीख़ क्या रही है। और इंशाल्लाह इससे मुतालिक कई अहम और मुफीद बातें हमारे सामने होंगी। आइए सबसे पहले शेख का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद ये सवाल हम शेख से लेते हैं। शेख, आपका इस्तकबाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सही नाम क्या है, बैतुल मक़दिस या मस्जिद अक्सा या और क्या क्या नाम जिक्र किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलल्लाह बाद। देखिए, कुरान और हदीस में इसका नाम आया हुआ है। एक नाम जो कुरान और हदीस दोनों में आया है वो है अल मस्जिदुल अक्सा, इसे मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है। मस्जिद अक्सा ये कुरान में भी है, सूरह इसरा में, और सही बुखारी की हदीस में भी है। एक दूसरा नाम जो सुनन नसाई में आया हुआ है वह है बैतुल मक़दिस। तो ये दो नाम कुरान या हदीस में आए हुए हैं। इसके अलावा उलमा इसको अल बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, तो अल बैतुल मुक़द्दस भी कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बैतुल मुक़द्दस, लेकिन इसके साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं बैतुल मुक़द्दस। तो बैतुल मुक़द्दस ये किसी कुरान की आयत में या हदीस में या किसी असर में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़द्दस मिलता है, बैतुल मुक़द्दस नहीं। और अरबी ज़बान के लिहाज से ये वो कोई अच्छी ताबीर नहीं है, बहुत अच्छी, गलत तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छी ताबीर नहीं है। तावील करके इसको आप सही कह सकते हैं, बैतुल मुक़द्दस को कैसे सही कर सकते हैं कि मिन इज़ाफ़तिल मौसूफ़ इला सिफ़ा करके, सही। तो जो नह का एक कायदा है कि मौसूफ़ को सिफत की तरफ मुज़ाफ़ करें। तो ये तीन नाम इसके ज़िक्र किए जाते हैं, एक मस्जिद अक्सा, एक बैतुल मक़द्दस, एक अल बैतुल मुक़द्दस, ये तीन नाम ज़िक्र किया था। अच्छा, चूँकि ये बहुत कदीम मस्जिद रही है, तो इस्लाम से पहले किसकी क्या तारीख रही है? देखिए, इस्लाम से पहले जिसकी तारीख है उस पर बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं जी, और हम उन तफसीलात की तरफ नहीं जा पाएंगे, बल्कि जो अहादीस की रोशनी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में इस्लाम से पहले इसके बारे में जो कुछ मिलता है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो इस हवाले से दो हदीस है हमारे सामने। एक सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि सबसे पहली मस्जिद इस रुए ज़मीन पे कौन सी बनाई गई, जो पूरी दुनिया में सबसे पहले तामीर की गई। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम, ये सबसे पहले बनाई गई। उसके बाद सवाल हुआ सुम आयु, कि इसके बाद कौन सी मस्जिद है दुनिया में जो दूसरे नंबर पर बनी। तो बुखारी की रवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मस्जिदुल अक्सा, कि दूसरे नंबर पर अक्सा। तो इस हदीस से हमें इसकी एक तारीख क्या पता चलती है कि इस रुए ज़मीन पर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की ये मस्जिद है, यानी इतनी कदीम, इतनी। हाँ, इसके अलावा एक और हदीस है सुनन नसई में, उसमें है कि अन्ना सुलेमान इब्न दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो एक नबी थे, उनके बारे में है कि लम्मा बना बैतुल मक़द्दस, कि उन्होंने जब बैतुल मक़द्दस को तामीर किया, बनाया। तो इससे पता चलता है कि इसकी तारीख में एक नाम और जुड़ा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। उससे पहले मस्जिद बन चुकी थी लेकिन उन्होंने भी उसकी तामीर नौ के लीजिए या उसकी रिपेयरिंग या फिर से उसको बनाना के लीजिए, तो उनका भी एक काम, एक खिदमत उससे जुड़ी हुई है कि बैतुल मक़द्दस में उन्होंने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। अच्छा, अहद रिसालत में फिर उसके बाद क्या तारीख रही है इसकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मस्जिद यहूदियों के कब्ज़े में थी, जब तक आप बहयात थे मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं थी। अलबत्ता उस मस्जिद का एहतराम था मुसलमानों के दिलों में, उसके क़िबला भी मानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर गुज़रा, अब भी वो मस्जिद दूसरों के कब्ज़े में थी। और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 15 हिजरी में ये इलाका फ़तेह हुआ और मस्जिद मुसलमानों के कब्ज़े में आई। तो ये पहला मौका है अबू उबैदा बिन जर्रा, तो ये पहला मौका है कि इस्लाम की तारीख में ये मस्जिद मुसलमान के हाथ में है। उसके बाद कई सदियों तक मुसलमानों का कब्ज़ा रहा उस पर, मुसलमान उसकी देखभाल करते रहे, मुसलमानों के कंट्रोल में मस्जिद रही, यहाँ तक कि 492 हिजरी में, 492 हिजरी से लेकर 583 हिजरी तक, बीच में 91 साल आता है, यानी तकरीबन एक सदी, ये एक सदी ये मस्जिद ईसाइयों के कब्ज़े में चली गई। उस वक्त ईसाइयों ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी थी जिसको सलीबी जंग कहते हैं, 200 साल तक तकरीबन ये जंग चली थी। तो उस बीच में मुसलमानों से इन लोगों ने इसको छीन लिया, लेकिन फिर एक
شخصیت پیدا ہوئی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی, اور انہوں نے ان سے دوبارہ واپس اپنے کنٹرول میں لیا. اور اس کے بعد پھر کئی بار کوشش ہوتی رہی ان کی طرف سے واپس لینے کی, ایک دو دن کے لیے کچھ دیر کے لیے کامیاب بھی ہوئے لیکن زیادہ دن ٹک نہیں سکے اور مسلمان کنٹرول میں لیے رہے اس کو. پھر 14ویں صدی کے نصف اخیر میں یہودیوں نے ایک بہت بڑی پلاننگ کر کے تقریباً سینکڑوں سال سے وہ سوچتے رہے, وہ ان کی نسلیں کی کیسے اس کو واپس کریں, اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے. اس کی تاریخ بہت لمبی ہے لیکن خلاصہ یہ کہ 14ویں صدی کے نصف اخیر میں پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ مسجد نکل گئی, یہودی اس پر قابض ہیں اور ابھی تک اس کا معاملہ ایسے ہی ہے. تو اسلام کے بعد سے اب تک کی یہ مختصر تاریخ ہے. اور بڑی لمبی تاریخ رہی ہے جی. اچھا کیوں, مطلب ہمیشہ سے لوگ کیوں دشمن رہے, کیوں اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے بھی وہ تاریخی چیزیں ہیں, ہر کوئی یہ اپنا حق جتلاتا ہے. اس کے دعوے دار بھی ہیں یہودی, کئی فریق ہے جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے. جیسے بابری مسجد کے بارے میں کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے. تو ایسے اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے. اچھا اسلام میں اس کا کیا مقام ہے, کیا فضیلت ہے اس مسجد سے؟ اسلام میں تین اعتبار سے اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ کہ معراج کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے جی, کہ اللہ کے نبی کا جو سفر معراج تھا اس میں پہلا پڑاؤ پھر وہاں سے, تو یہ ایک پورا واقعہ معراج آپ جانتے ہیں. اور باقاعدہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اس کا باقاعدہ ذکر کیا قرآن میں. اور دوسری جو فضیلت کی بات ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے, وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کا قبل اول ہے. مسلمان پہلے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ قبلہ تبدیل کیا. اور تیسری جو فضیلت کی بات ہے وہ یہ کہ اس کی طرف سفر کی اجازت ہے خاص ثواب کی نیت سے. لا تشد الرحال الا الا ثلاثۃ مساجد, صرف تین مسجدیں ہیں جن کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں, مسجد حرام, مسجد نبی, اور اس میں سے ایک مسجد اقصی آتی ہے. تو یہ تین فضیلت ہے اس مسجد کی اسلام میں. اچھا اس کے علاوہ یہاں نماز پڑھنے کا بھی ثواب تو بے شک اس میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے, مسجد حرام میں سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد مسجد نبی میں ہے, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے نماز کا وہ یہی مسجد اقصی. جزاکم اللہ خیر شیخ. ناظرین دیکھا آپ نے مسجد اقصی کے حوالے سے کئی اہم اور معلوماتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.